अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आजादी गौरव यात्रा भारत जोड़ो एक पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ने एक जिस तरह हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश के शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया और हमारी देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी जो है हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर पदयात्रा करेगी झंडा लेकर। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज़ादी की गौरव यात्रा के तहत पूरे देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गौरव यात्रा निकाली गई। इस गौरव यात्रा में अजमेर जिला प्रभारी मुमताज मसीह सम्मिलित हुए। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली का समापन आगरा गेट स्थित चौराहे पर किया गया। आजादी की गौरव यात्रा 75वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आज़ादी की गौरव यात्रा भारत जोड़ो एक पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी ने एक जिस तरह हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश के शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया और हमारी देश को आज़ाद कराया, आज उनकी 75वीं जो हमारी आज़ादी की वर्षगांठ आने जा रही है, उस आज़ादी की वर्षगांठ पर एक उत्सव के रूप में और उनको श्रद्धांजलि के रूप में जो है हम आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लेकर पूरे शहर में विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करके और आगरा गेट पर जाकर इसका समापन करेंगे। और सभी हमारे आज यहाँ इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ प्रभारी के रूप में अजमेर में पधारे हुए मुमताज मसीह साहब, जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के कैडर में, और हमारे पूर्व विधायक और हमारे प्रत्याशी, हमारे अग्रिम संगठन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, साथीगण, पार्षदगण इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमारा रैली का आगाज है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे। देश में जिस तरह हमारी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह देश के एकता अखंडता को बनाया, उसमें कोई किसी भी तरह का भेदन नहीं कर पाए और उसकी देश की एकता अखंडता पर कोई आँच नहीं आ पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से ये कार्यक्रम बना रखा था कि 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक कांग्रेस पार्टी जो है हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर पदयात्रा करेगी झंडा लेकर। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने ना तो कभी झंडे का सम्मान किया, खबर ये रहे ये आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों के, कभी इन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर 52 साल तक कोई झंडा फहराया नहीं, आज भी नहीं फहरा रहे हैं। और वो लोग जो हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को, पता था इनको कि ये कार्यक्रम हम ये 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक करेंगे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर पूरे देश के अंदर, और झंडा फहराना नहीं चाहते ही, झंडा बेचना चाहते हैं। इनके कार्यकर्ता इनके कार्यालय के अंदर झंडा बेच रहे हैं 20-20 रुपए के अंदर, कई जगह पर तो 35 रुपए में बेच रहे हैं। तो झंडे को भी इन्होंने व्यापार बना लिया है। कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा झंडे का सम्मान किया, झंडे के लिए हमारे कई सेना के लोग, हमारे जो कांग्रेस के सेना के लोग शहीद हुए हैं, कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उन्होंने अपनी जान न्योछावर किए झंडे के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी इस झंडे का सम्मान नहीं करके और झंडा बेच रही है।